मुश्किल में लग रही है टीम ऑस्ट्रेलिया। इस वक्त 166 रन्स स्कोर कर लिए हैं, 40 रन्स चाहिए ऑस्ट्रेलिया को अगर उन्होंने मैच जीतना है 14 बॉल्स में। तो मुकाबला इस वक्त ज़्यादा यही लग रहा है कि इंडिया के हक में है। टीम इंडिया जाहिर है बहुत खुश होगी, फैंस भी बहुत खुश होंगे। इंजी भाई, अभी तक मुकाबला अगर हम देखें तो इंडिया सिचुएशन जो है ना वो इंडिया के हक में जा रही है, इसमें कोई शक नहीं। और पहली बॉल से ही लग रहा था, आज मेरे ख्याल में रोहित शर्मा शो कहना चाहिए जी जी, कि आज का जो शो था ना कि वो रोहित शर्मा था, क्योंकि लोग तो बहुत सारे स्कोर कर देते हैं 92, लेकिन जिस तरह का मैच था, जिस तरह की अपोजिशन थी, और वो आउट ऑफ फॉर्म था, हर चीज़ उसके अगेंस्ट थी। 41 बॉल जी, 41 बॉल पे, और नहीं 41 बॉल पे, लेकिन जिस तरह उसने फास्ट बॉलर्स को फेंटा दिया ना, ये नहीं कहना चाहिए मारा फेंटा दिया है, क्योंकि जिस तरह छक्के मारे हैं उसने, क्योंकि जी तो वो काबिले दीद थी। तो आज की जो इनिंग्स थी ना जी, तो वो ये था कि जी आज का इनिंग्स नहीं, आज का जो पूरा मैच था, पूरा दिन था, वो रोहित शर्मा के नाम था, क्योंकि जिसमें आप सेमी फाइनल में इंटर हो गए। हालांकि जो पता चल रहा है उनका इंग्लैंड से आएगा, इंग्लैंड भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन जाहिर है जिसमें आपने वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए जा रहे होते हैं तो आपको इस तरह की बड़ी टीमों को तो हराना पड़ता है। लेकिन ये जिस तरह की टीम नजर आ रही है इस टाइम, तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है इस टाइम सारों से। जैसे इंजी भाई ने कहा ना कि रोहित शर्मा हिटमैन उनको कहा जाता है, और आज की अगर हम उनकी परफॉर्मेंस देखें, मैं चाहूंगी मैं डिटेल में जरा इस पे बात करूं। 92 रन उन्होंने स्कोर किए हैं विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 224, जिसमें 8 छक्के 7 चौके शामिल हैं। 19 गेंदों पे तो उन्होंने 50 कर लिया था, और जब 50 स्कोर हुए ना तो 48 उनके थे, 2 रन जो थे वो किसी और प्लेयर्स ने स्कोर किए हुए थे। तो व्हाट अ परफॉर्मेंस, कैप्टन्स नॉक। और फिर हमने देखा है फील्ड में भी अगर कुछ जरा सा भी इधर उधर हो रहा है तो वो चिल्ला रहे हैं, ही वाज 100% इन। देखिए ये बहुत प्लेयर है इंडिया में, जब भी ये स्कोर करता है ना, आप देखें ये फेयरलेस होकर खेलता है। इसको ये नहीं होता कि मैंने रैंकिंग के लिए खेलना है, टीम एक तो कैप्टन है, और जब भी इसकी आप इनिंग देखें मतलब या तो ये आउट हो जाएगा या ये फिर टीम को उस मुश्किल से निकाल देगा। आज भी देखें विराट आउट हुआ पर उसने कोई प्रेशर नहीं लिया, और कुर्बान जाऊँ उस पर मिचेल स्टार्क पे के वो उसने एक ही लाइन पकड़ी हुई थी, उसने 4 छक्के मारे, वो भी नहीं हटा, वो भी नहीं हटा नहीं उसकी देखो इंजी, उसकी स्ट्रेंथ है अगली वाली बॉल, और आप सारी दुनिया को, आप 2 ऐसे बॉलर हैं जिनका पता है कि ये इनस्विंग आगे करते हैं, एक शहीन और ये एक स्टार्क, और उसने भी लाइन चेंज नहीं की। मैं इनजी बैठ के ये बात कर रहे थे कि यार इसकी इतनी पेस है, ये क्यों नहीं थोड़ा सा लाइन चेंज करता अपनी, और एक ही जगह पे करता रहता है। अब शर्मा जैसे प्लेयर को पता है कि इसने आगे इनस्विंग करनी है, आप देखें उसने कोई बॉल नहीं रोकी, उसने वो मारता गया वो भी वहीं करता गया। हालांकि जिसपे उसने आउट किया उसको यॉर्कर किया था, वो मतलब आप अगर किसी भी बैट्समैन को जिसकी स्ट्रेंथ है आगे वाली बॉल को वो उठा के मारता है जी। एक शॉट उसने एक्स्ट्रा कवर में मारी है जो क्रिकेट वाली शॉट थी, कमाल किस्म का उसने छक्का दिया जी। मेरा ख्याल थोड़ा सा बॉलिंग में भी इन्होंने आज ना कोई उस तरह की एफर्ट नजर नहीं आई कि आप कोशिश करते ना कि आप लाइन चेंज करें, मगर बात यह है कि विकेट बहुत अच्छा था इसमें कोई शक नहीं। ये एक तो विकेट अच्छा था और वो खेले बहुत अच्छा। मैं चाहूंगी हम इस पे भी बात करें कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता था, पहले फील्डिंग को चूज किया, क्यों, उसकी वजह क्या लगती है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी इंजी भाई आप जरूर ब्रेक डाउन करें रोहित शर्मा की इनिंग का। जैसे सलीम भाई कह रहे हैं कि वो फेयरलेस होके खेलते हैं, 92 पे खेल रहे थे वो, कैच आउट हुए। हम देखते हैं कि अक्सर प्लेयर्स जब 90 क्रॉस कर जाते हैं ना तो वो थोड़ा मुहतात हो जाते हैं कि अब हमारा 100 हो ही जाए, रोहित शर्मा में ये बात हम नहीं देखते। नहीं, रोहित शर्मा ये है कि जिस तरह सलीम भाई ने कहा ना कि वो जिस टाइम आप रिकॉर्ड्स के लिए खेलेंगे ना, क्योंकि या अपने लिए खेलेंगे इंडिविजुअल खेलेंगे तो फिर लोगों को भी पता चल जाता है। ऐसी नहीं बात की कि जी वो छुप जाएगा, जो खेलेगा पता चल जाएगा। अभी भी हम उसकी किस लिए बात कर रहे हैं कि बोल्ड हो गया, मारा उसने वही यॉर्कर हुआ ठीक है, लेकिन ये कि जी वो वहाँ भी हिट मारने गया था, क्योंकि जी स्कोर के लिए गया था। और इन्होंने आप जिस टाइम अपना कोई प्लान करके आते हैं ना, जिस तरह विराट आउट हो गया, विराट ठीक है स्कोर नहीं कर रहा लेकिन मेन प्लेयर तो है ना, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, नंबर 1 प्लेयर है दुनिया का, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो प्लान करके आते हैं ना अपने उसी प्लान पे खेलते हैं, उनका प्लान ही यही था। ये ऑस्ट्रेलिया से इस प्लानिंग के बगैर जीत ही नहीं सकते थे,
और जो कप्तान ने प्लान किया था ना कि जी लीडर था, लीड फ्रॉम द फ्रंट उसने किया है, उसने कहा कि जो हमने प्लान बनाया है ना मैं उस पर अमल किया उसने, और मैंने ये नहीं कहा कि उसने हिटे मारी, उसने पेंटा लगाया उनका, उन्होंने बदतमीजाना क्रिकेट खेल लिया कि यहाँ से फास्ट बॉलरों को जो 80-90 की स्पीड से कर रहे थे उसने फ्रंट टांग से उठा के ना इधर हिट मार दी है, सीधे छक्के मार रहा है, तो ये उनका प्लान था, ये नहीं कि ये सडनली हो गया कि बगैर सोचे समझे कुछ हो गया, नहीं ये प्लान करके किया हुआ था। और अच्छी बात है कि जो टीम भी रिकॉर्ड्स के पीछे नहीं जाएगी, ये नंबर्स के चक्कर में नहीं जाएगी, तो वो फेयरलेस क्रिकेट खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया आज हार गई है ठीक है, लेकिन हमने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी फेयरलेस क्रिकेट देखी, ऐसी बात नहीं है कि जी ऑस्ट्रेलिया ने फाइट नहीं की, क्योंकि जी उनका भी 10 ओवरों में 100 था, 11 ओवरों में, 12 ओवरों में वो भी 125 पे थे, ठीक है इंडियंस ने अच्छा कम बैक किया उनके स्पिनर्स ने, लेकिन दोनों ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली। ठीक है जी, ठीक है, आप इंडिविजुअल जब नहीं करते हैं तो फिर इस तरह से रिवॉर्ड भी मिलता है आपको, जाहिर है वो ये तो सोच के नहीं गए होंगे कि मुझे टॉप स्कोरर बनना है। नहीं देखें, रोहित के बारे में मैं आपसे पहले भी कहा था कि वो कभी भी अपने लिए नहीं खेलता, जब भी कभी वो ओपनर आया ना तो आप देखें जितनी भी देर वो रहा क्रीज पे जी, वो उसकी कोशिश होती है कि वो बोर्ड जो है ना वो चलता रहे, और चलता ना रहे भागता रहे, वो तेज खेलता है, वो कभी इस तरह नहीं हुआ कि वो आप जैसे आज उसने 100 के करीब जाके, कोई भी दुनिया का बैट्समैन होता ना उसके अलावा, मतलब बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो नहीं खेलते वो टीम के लिए खेलते हैं, मगर रोहित जो है ना वो आप उसको कभी भी देखिएगा, वो बड़ी दफ़ा आउट हुआ है 90s पे, वो टीम के लिए खेलता है, उसको पता है कि इस सिचुएशन में एक रन भी बड़ा वाइटल होता है कई दफ़ा, तो उसने वहाँ भी जाके कोई वो ये कोशिश नहीं की कि मैं 8 रन कर लूँ फिर मैं बाद में मार लूँगा, उसने उस बॉल को भी ट्राई किया। तो बात यह है कि कुछ प्लेयर हैं जो जिनको हम कहते हैं कि वो जाके, अक्सर बात होती है टाइम ज़ाया हो जाता है, पहले पावर प्ले में हम तेज़ नहीं खेलते, बहुत सारी टीमें हैं एनजी हज़रा, तो ये रोहित के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि ये इसको क्या कहते हैं, हिटमैन, हिटमैन और फैंटा, ये जाके स्टार्ट से शुरू करता है, स्टार्ट से शुरू करता है, वो एक वीक लिंक रह गया है इंडिया की टीम, इंडिया की टीम में अगर हम बात करें विराट कोहली जो है वो अभी तक हमें उस तरह की फॉर्म में नज़र नहीं आए हैं, एक दो इनिंग्स हैं उनकी इस टूर्नामेंट में, लेकिन जिस तरह से वो खेलते हैं कि पूरा 10-15 ओवर तो वो ले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन एक और बड़ी शानदार जो इनिंग रही है वो है हार्दिक पांड्या की, छोटा सा कैमियो खेला उन्होंने, 17 बॉल्स पे 27 रन, और सूर्य कुमार यादव 16 बॉल्स पर उन्होंने 31 रन स्कोर किए। तो ये छोटे छोटे कैमियोज भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे हमने पहले भी एक जिक्र किया था सूर्य कुमार यादव की इनिंग के बारे में हम बात कर रहे थे कि मिडिल ऑर्डर का होना कितना ज़रूरी है टीम में। नहीं ये अगर आप ये देख लेंगे, ये इंडिया आज अपना 7वां मैच खेल रहा है जी, तो आज रोहित शर्मा को पहली दफ़ा आपने देखा कि इन्होंने इनिंग्स खेल ली, वरना सारा जो बोझ है ना इन्होंने उठा रखा था। हाँ, सूर्य कुमार यादव, इसको कहते हैं कि टीम गेम जी, क्योंकि जिससे अगर आपका टॉप ऑर्डर नहीं कर रहा ना, सो आपका लोअर ऑर्डर है ना, मिडिल ऑर्डर है ना, वो आपको ना कवर कर जाता है जी। इसको टीम कहते हैं, ये नहीं होता कि जी अगर ओपनर ने भी नहीं स्कोर किया तो जी वो मिडिल ऑर्डर कह रहे हैं कि जी उन्होंने नहीं किया तो हमने भी नहीं करना। तो इनकी अगर यहाँ आप देख लेना कि जो इनकी बैकबोन है, मैं बैकबोन रोहित शर्मा को और इसको नहीं कहता कि जी विराट कोहली को, मैं इनकी बैकबोन कहता हूँ, ये जो इनके तीन है ना ये ऑलराउंडर्स है ना जी, ये इनकी बैकबोन है इंडियन की टीम की, कि जिस टाइम कोई मुश्किल वक्त आते हैं ना तो ये ना खड़े होते हैं सारी जगह पे। आप इनको बॉलिंग में भी देख ले, आप इनको बैटिंग में भी देख ले, आप इनको फील्डिंग में भी देख ले, तो जिस टीम के पास ये तीन होंगे ना, पाकिस्तान का एक टाइम बड़ा जबरदस्त वक्त था उस टाइम, शाहिद आफरीदी, अब्दुल रजाक, अजहर महमूद, ये तीन आपके पास होते थे, मुइन भी ठीक है ना, ये तीन चार लोग होते थे आपके पास ये मिडिल ऑर्डर से लोअर ऑर्डर में, तो ऊपर वाले टॉप वाले भी थोड़े से फ्री होके खेलते थे, उन्हें पता है कि अगर सूरत हाल ख़राब हुई तो ये लोग संभाल सकते हैं। तो आज है ना हम अपनी टीम की अगर बात करें ना, हम इस चीज़ को बहुत मिस करते हैं, क्योंकि जी ये वाला पार्ट है ना हमारा, ये हमारा बहुत वीक है। इंडिया की जो स्ट्रेंथ है ना, अगर ये स्ट्रेंथ अगर इंडिया यहाँ 2-3 मैच हारा होता ना, तो ये रोहित शर्मा को भी इस तरह की शॉट्स खेलने में ना इतनी फ्री
वो ना होता उसको भी जरा सोचना पड़ता मेंटली, फिर आप ऑक्यूपाइड होते, ऑक्यूपाइड होते लेके जाना नीचे। हाँ, लेकिन ये है कि जी ये जो इनका पार्ट है ना, जो उनसे जिसकी आप बात कर रही है कि चिप इन जिन्होंने कर रखा है कि जी 17 बॉलों पे 27, 16 बॉलों पे 31, ये इंडिया टीम की बैक बोन है ये लोग, मैं ये समझता हूँ। मेरा ख्याल ये ऑस्ट्रेलिया में ये मिसिंग हो रहा है।